वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज अनदर न्यू ब्लॉग एंड यू आर वॉचिंग हॉबी बीच। तो आज का जो ब्लॉग है इट इज लक्ष्मी पूजा स्पेशल ब्लॉग। तो दुर्गा पूजा के 5 दिन या फिर 7 दिन बाद एक लक्ष्मी पूजा होता है हर एक बंगाली घर में, वही लक्ष्मी पूजा मेरे घर में भी हो रहा है, तो उसी का ब्लॉग है। दिस इज day 1 एंड हम लोग एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे नारियल के लड्डू, देन मुरमुरे के लड्डू एंड और बहुत सारे जो चीरा बोलते हैं पफ्ड राइस, उसके भी लड्डू बनते हैं। वो सब लड्डू सूखा जो स्वीट है जो हमारे घर में बनता है वो एक दिन पहले ही बन जाता है एंड कल के दिन पूजा होगा। तो चलिए देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। इज बिजी विथ नारियल, इन सबको पीस पीस करके हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे एक ही बार में एंड फिर उसका लड्डू बनाएंगे। आपको क्या क्या काम दिया गया है? शांतु को थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जा रही है एंड शांतु ट्राई टू हेल्प फॉर सम टाइम। यहाँ पे नारियल का लड्डू बन रहा है विथ नारियल एंड चाय क्रीम मिक्सचर इज रेडी। नाउ इट्स टाइम फॉर सम लड्डूज। हम दोनों बैठ गए लड्डू बनाने विद सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मॉम कि कितना बड़ा होना चाहिए एंड कितना गोल होना चाहिए लड्डूज। जैसे कि हम दोनों ही बैठ गए थे लड्डू बनाने के लिए और हमने बहुत जल्दी ही इतने सारे लड्डू बना दिए एंड मम्मी को हेल्प कर दिया। गाइस, मम्मी अलग से भी भगवान के लिए लड्डू बना रही थी इन अ डिफरेंट स्टोव। तो मम्मी ऑलरेडी यहाँ पे तिल के लड्डू बना रहे थे, उसके बाद नारियल के लड्डू भी बना रहे थे। हम लोग हर बार फोटो से पूजा करते हैं बट मेरी सिस्टर को इस बार मन था कि मूर्ति से पूजा करेंगे। हाउएवर रात के बज रहे थे 9:30 बट हम पहुंच गए मार्केट टू गेट मूर्ति एंड सम अदर सामग्री। उसके बाद दो वी वर स्केप्टिकल कि मार्केट खुला रहे कि नहीं, बट हमें सब कुछ मिल गया एंड वी वेंट बैक होम। मूर्ति को मम्मी ने वेलकम किया, उसके बाद मैं और शांतु अपने घर चले गए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल लक्ष्मी पूजा का प्रिपरेशन चल रहा था, लड्डू एंड वगैरह जो भी स्वीट्स है वो भी बन रहे थे। आज मैं अभी भी अपने घर में ही हूँ, अपना घर का थोड़ा सा काम है वो सब निपटा के इट्स ऑलरेडी 11:00 नाउ। अब मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ, वहाँ पे मम्मी भोग बना रही है ऑलरेडी एंड मैं बाकी का प्रसाद जो भी है वो मैं बनाऊँगी। सो अभी हम घर जा रहे हैं। एक्चुअली आज मुझे ड्राइव करने का मन किया तो मैं ड्राइव कर रही हूँ एंड बहुत दिन बाद अच्छे से ड्राइव कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक तो अच्छे से ड्राइव कर रही हूँ, देखा जाएगा। सो वहाँ जाएंगे, मम्मी ऑलरेडी भोग बना रही है एंड आई विल जस्ट हेल्प हर विथ रेस्ट ऑफ द आइटम्स। तो चलिए अभी चलते हैं। जब घर में कोई फेस्टिवल होता है तब हर एक फैमिली मेम्बर अपना अपना काम चुन लेती है एंड अपने आप से कर लेते हैं। तो वैसे ही सब बहुत बिजी थे अपने अपने कामों में। मम्मी वॉज बिजी इन कलश एंड मूर्ति स्थापना। जैसे कि हमें पता है लक्ष्मी जी को लोटस बहुत पसंद है, तो हमने उनका जो स्टेज है लोटस फ्लावर से सजाया है और बाकी तो आप देख ही सकते हो डेकोरेशन। कर रही है अभी, मैं पूजा का थाली सजा रही हूँ। ओके, मम्मी ने जो मुझे काम दिया है छोटा मोटा जो भी काम है। ठीक है। सो अभी ये पूजा का थाली सज रही है। हेलो, हेलो, क्या चल रहा है? अल्पना। अच्छा, इसे कहते हैं अल्पना। सो अल्पना का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सबको बता दो। सो ये लक्ष्मी पूजा में हर एक घर में ये अल्पना से डेकोरेट। सो इट इज लाइक जैसे कि हम वेलकम कर रहे हैं उनको, है ना, आदर सम्मान से, ताकि वो हमारे घर में आए, किसी और के घर में ना जाए लेकिन हमारे घर में पहले आए। सो जिसके घर में जितना ब्यूटीफुल अल्पना होगा उसके घर में लक्ष्मी देवी पहले आएंगी, क्या? घर सजा के सुंदर रखना ही, जहाँ जिस घर में अच्छे से अल्पना रहेगा और जिस घर को अच्छे से डेकोर करेंगे वही जाएंगे लक्ष्मी जी पहले। ठीक है। मम्मी अभी भोग प्रिपेयर कर रही है, यहाँ पे खिचड़ी रेडी हो रहा है एंड यहाँ पे लाबड़ा जो कि खिचड़ी के साथ जाता है
टाइप की सब्जी मिक्स वेज जैसी बन रही है यहाँ पे। लक्ष्मी जी को जो भी भोग चढ़ने वाला है वही प्लेट्स बहन सजा रही है। शांत अब क्या कर रहे हो? चंदन? हाँ, ये चंदन निकालना है भगवान को देने के लिए। कुछ तो कर रहा हूँ मैं, नहीं तो बोलेंगे कि मैं कुछ भी नहीं किया। हो गया, बोल दिया आपने, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ के नाम पे ये चंदन कर रहा हूँ। अब ये हो गया नौ रेड चंदन। रेड चंदन। तो गाइस अभी सब कुछ डेकोरेशन और उसके बाद जो भी सामग्री है जो भी चाहिए वो सब कुछ रेडी है। एंड लेट मी शो यू द प्लेस वेयर पूजा, जहाँ पे पूजा होने वाली है। मैं आपको अभी वो दिखाऊंगी। एंड सब कुछ रेडी है, मेरी बहन और मम्मी ने मिलके सब कुछ कर लिया है। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग ड्रेस अप हो चुके हैं एंड दिस इज हाउ आई हैव ड्रेस्ड। अभी मैं मम्मी और बहन से भी मिला देती हूँ। वो पूजा करी, लक्ष्मी पूजा। सो दिस इज माय सिस्टर, एज यू नो दिस इज माय मॉम। ये दोनों भी फास्टिंग कर रहे हैं एंड दे विल सिट इन पूजा। चलो, सो दिस इज व्हाट दे आर वेयरिंग। गाइस द वर्क इन प्रोग्रेस था अल्पना, तो अभी कंप्लीट हो गया है। सो फाइनल लुक देखने के लिए आप लोग रेडी हो? रेडी हो ना? तो चलो देखते हैं फाइनल लुक क्या है घर का। सारे काम हो जाने के बाद मुझे लगा कि घर के सेंटर में भी थोड़ा सा आलपोना दे देना चाहिए, तो मैं इधर बैठ गई थोड़ा सा आलपोना दे देने के लिए। पंडित जी आ गए हैं, अभी पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो चलिए पूजा में जाते हैं। आइए। And now it's time for Pushpanjali, which mom and sister is performing. अभी मम्मी पांचाली पढ़ रही है, जो आफ्टर पूजा एक बुक रिलीजियस बुक है, तो वो पढ़ना पड़ता है। तो मम्मी अभी पांचाली पढ़ेगी और हम लोग सुनेंगे। So guys, पूजा is complete. अभी प्रसाद मिलेगा हम सबको। मम्मी अभी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, तो चलिए प्रसाद खाते हैं। Don't feel shy, they are all over me. The prasad. Tasty. She is the first one to have prasad. How is the prasad? Oh Baba, very yummy. Hmm? बहुत स्वादिष्ट, यम्मी। ओके, आप देख ही सकते हो क्वांटिटी कितना है। दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द सेकंड, दिस इज द रिफिल। इन सब को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई एंड मैं भी बैठ गई प्रसाद खाने। हे बोलो, वी हैव सम लिटिल क्यूट गेस्ट हियर हैविंग प्रसाद। प्रसाद कैसा बना है? बहुत टेस्टी। ओके, यू एंजॉयिंग? यस। चलो चलो एंजॉय। गाइस उसके बाद बहुत सारे गेस्ट आ गए थे एंड आई कुड नॉट शूट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।